गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 30। स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है डकलिंग वुड पाउडर पेस्टिंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है उसकी जो लास्ट पेज है वहां पर आपको एक स्टार्टअप किट आपको दिया हुआ है, उसमें आपको वुड पाउडर प्रोवाइड किया है। तो वहां से स्टूडेंट्स आपको वुड पाउडर लेना है और पेस्टिंग एक्टिविटी करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है डकलिंग का आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बाउल है, बाउल का जो पार्ट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ब्राउन कलर वुड पाउडर हमें पेस्ट करना है। ब्राउन पाउडर जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट में लास्ट पेज पर आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे ग्लू या फेविकॉल। स्टूडेंट्स, आप अगर फेविकॉल यूज करते हो तो और बेस्ट रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो बाउल है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास फेविकॉल है इस टाइप से, उसके साथ जो लाइन है उसके जो इनर पार्ट है, तो इनर हाफ पार्ट हम पहले कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, स्मॉल पार्ट्स हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जो स्मॉल पार्ट्स है वो हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। उसमें सबसे पहले हम अच्छी तरह फेविकॉल पेस्ट करना है, जो भी इनर पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये इनर पार्ट में आपको अच्छी तरह ग्लू या फेविकॉल अच्छी तरह पेस्ट करना है। स्मॉल पार्ट में इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम अपना जो वर्क है वो और अच्छी तरह डेकोरेटिव वर्क और अच्छी तरह हम कर पाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अच्छी तरह फेविकॉल पेस्ट कर लिया है। अभी जो आपके पास वुड पाउडर है उसको आपको स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल मतलब उसके ऊपर डालना है। ऐसे आप स्प्रेड करोगे तो यहाँ पर वुड पाउडर स्प्रेड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा आउटसाइड अगर पाउडर जाता है तो वो पेस्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फेविकॉल आपने पेस्ट नहीं किया है। अगर आप गलती से फेविकॉल आप बाहर की साइड पेस्ट करते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वुड पाउडर पेस्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी एरिया जो वर्क कर रहे हैं वो एरिया में ही हम फेविकॉल पेस्ट करें। जो लाइन है उसकी आउटसाइड हमें फेविकॉल पेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट्स, आप स्मॉल पार्ट में आप स्टेप वाइज वर्क करेंगे। स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट में हमें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। फेविकॉल पेस्ट करोगे फर्स्ट, फिर आपको वुड पाउडर पेस्ट करना है। अगेन स्मॉल पार्ट में फेविकॉल पेस्ट करेंगे, वुड पाउडर पेस्ट करेंगे, अगेन फेविकॉल पेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वुड पाउडर पेस्ट करते हुए उसको ड्राई भी होने देना है स्मॉल पार्ट्स को, वरना क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से वहाँ स्प्रेड हो जाएगा। जो वुड पाउडर है वो कहीं और पार्ट में भी पेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्मॉल पार्ट्स में वुड पाउडर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो वाटर का जो पार्ट है यहाँ पे हमें ब्लू कलर यूज करना है। स्टूडेंट्स, हमें क्रेयॉन्स कलर यूज करेंगे, क्रेयॉन्स कलर से कलरिंग वर्क करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वाटर का जो पार्ट है यहाँ पे लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर यूज करेंगे, ब्लू कलर। स्टूडेंट्स, जो वाटर का पार्ट है यहाँ पे भी हम ब्लू कलर यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल पार्ट में कलरिंग करेंगे। सेम स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टू डक है तो डिफरेंट टू कलर भी यहाँ पे वन डक में हम पिंक कलर यूज कर सकते हैं और ये जो सेकेंड उसमें हम ब्लू कलर। उसमें यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कलर करना है, स्लीपिंग डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेयॉन्स कलर से हमें कलरिंग फिलअप करना है। उसमें यहाँ पे हमें कलरिंग सिमिलर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कंप्लीट करना है। हमें डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। वर्टिकल डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल में कर रहे हो और वर्टिकल आप ऐड कर रहे हो टेक्निक रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जो हमारा डक है डक में हमें कलरिंग कंप्लीट करना है। सेम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो स्लीपिंग डायरेक्शन है सिमिलर स्लीपिंग डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हमें कलरिंग वर्क करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट आप बॉर्डरिंग पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। जो बॉर्डर इनर पार्ट है उसमें आप इनर पार्ट सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप इजीली कलर फिलअप। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है यहाँ पे हम रेड कलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम रेड कलर फिलअप करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर्व डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में पेज नंबर 30 पर आपको ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें वुड पेस्टिंग एक्टिविटी करना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप डक में आपको कॉटन पेस्ट करना है तो आप कॉटन भी पेस्ट कर सकते हो जो आपकी स्टार्टअप किट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो कॉटन है कॉटन को स्प्रेड करना है, फेविकॉल पेस्ट करना है और कॉटन को पेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है आपको अपने घर पे बैठ के करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।